मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर दिनाजपुर जिला चाकुलिया थाना के मटियारी गांव में, और मटियारी गांव में महानंदा का पानी घरों में घुस गया है। लोग यहां पे काफ़ी समस्या में हैं, लोग काफ़ी परेशानी में हैं। स्थानीय लोगों से जो हमें पता चला कि अभी तक कोई प्रशासन के लोग जो हैं यहां पर देखने भी नहीं आए हैं, ना कोई अभी तक मदद पहुँची है। लोगों का कहना है कि अभी तक कोई यहाँ पे मदद नहीं पहुँची है, ना ही कोई देखने के लिए आया है। मैं फिर से आपको बताऊं, उत्तर दिनाजपुर जिला चाकुलिया थाना का ये मटियारी गांव है, जहाँ पर महानंदा नदी का पानी पूरी तरह से घरों के अंदर घुस गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी समस्या में हैं, और घुटनों से ऊपर तक पानी नदी में बह रहा है, समस्या में है। देखिए, ये घर है और घर के बाहर पूरा पानी की है। ये हाँ, गरीब आदमी छी, कहाँ से लगा टाटी। पानी कत्ते जमा कमाने वाला के छे? कोई नहीं। कब से अपना अपनी? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक आलम। इसी गांव के हैं जी? क्या क्या हालत है अभी गांव की? बहुत बुरी अवस्था है। बाढ़ सैलाब का पानी से घर जो है कच्चा मटिया घर जितना है सबका सब परेशान है। किसी का कांति खबर रहा है, किसी का और कुछ खबर रहा है, किसी का घर गिर रहा है। गरीब आदमी दिन मजदूरी करके खाने वाला, पक्का का मकान नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं। अभी फिलहाल जो गरीब आदमी आज दिन जो है आज सुबह से घर में किसी का चूल्हा नहीं जला है, नाश्ता वगैरह जो भी है बिस्कुट वगैरह बच्चे से वो किसी तरह से खिला के रखा गया है। जिस तरह से बता रहे हैं कि कल से ऐसी हालत है, कल से ही पानी बढ़ रहा है और अभी भी पानी में काफ़ी बढ़ोतरी है, तो अब तक प्रशासनिक तौर पर कोई यहां पर आके देख के गया है या फिर कोई मदद करके गया है? जी नहीं, अभी तक फिलहाल कोई नहीं आया, ना गवर्नमेंट की तरफ से आना है, ना प्रशासन की तरफ से आना है, ना ग्राम पंचायत की तरफ से, कोई नहीं आया। जी नहीं, तो देख ही रहे हैं लोगों का दर्द। कल से ऐसी हालत मटियारी गाँव में है। भाई साहब जो बता रहे हैं कि अभी तक कल और आज दिन के अभी 2:30 बज चुके हैं, अभी तक कोई प्रशासन के तरफ से, ना ही ग्राम पंचायत के तरफ से, ना कोई नेता, ना कोई मुखिया, ना कोई मेंबर इन लोगों की हालत देखने या इनको पूछने या इनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कहने तक यहां पर कोई नहीं आया है। ऐसी इन्होंने जो बात कही वो आपने सुनी, तो कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया है। ब्लॉक के तरफ से, पंचायत नहीं, किसी का तरफ से नहीं आया है। जो भी आता है हम लोग को नहीं मिलता है कुछ। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है। कौन ले लेता है फिर? अब अल्लाह जाने कौन लेता है, मुखिया मेंबर से जवाब लिया जाए। कुछ नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं, नहीं कोई मदद नहीं। कैसे अभी दिन गुजार रहे हैं? ऐसे अब गरीब गुरबा हम लोग एक टाइम खाकर किसी तरह दिन गुजार करते हैं, और क्या करेंगे। खाना डर लग रहा है? यस। कितना पानी है गांव में? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, हर साल ऐसे होता है? हाँ। तो अभी तक कोई मदद किया है? नहीं, हम लोग कोई देता है। पानी अभी बढ़ रहा है ना घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, कितना डरी हुई है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कहाँ पढ़ती हो? बिलन सेंटर कोचिंग में, हाई स्कूल कनकी बैठी हुई है। इनसे दो बात करते हैं, कत्ते समस्या छे? बहुत बेकनी है, की हो रहा है? हाँ, कुछ मिली है? कुछ नहीं। मुखिया मेंबर ला? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो? कुछ नहीं। देखने भी नहीं आता? देखने नहीं आता, कभी नहीं देखवा हो। अच्छा, हर साल एक किस्म हो? हर साल एक किस्म हो, मैं कभी नहीं लगता इन पे हम जानो है और ना कुछ हो हम जानो है। चूल्हा चूल्हा सब बन के खबर पुआ छुआ पुआ हमारा आना ही, और कोई आज तक नहीं हुई है। देखिए ये समस्या, इधर आइए, ये समस्या कि यहाँ सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि जब लोग समस्या में आते हैं तब कोई इनके पास खड़ा नहीं होता, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। जब इलेक्शन का टाइम आता है, वोट का टाइम आता है, तो नेता लोगों के घरों पर धरने पर बैठ जाते हैं कि आपका वोट हमें मिलना चाहिए, किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मुसीबत का समय आता है तब कोई नेता, कोई मेंबर, कोई मुखिया इन लोगों के पास खड़ा होकर के इनकी सुख दर्द को, दुख दर्द को नहीं बांटता है। मैं काफ़ी लोगों से बात किया, आप कुछ बोलेंगे और दो चार बातें करते हैं भाई साहब से। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? मैं चाकलिया टाइम्स को धन्यवाद देता हूँ कि इस मोमेंट में कल से पानी आई हुई है। इस मोमेंट में अभी तक तो किसी भी तरह का कोई इनको इन्फॉर्मेशन लेने वाला नहीं है, लेकिन ये चाकलिया टाइम्स पहला कैंडिडेट है जो इस गांव में आके सबका जो जायजा ले रहे हैं, सबसे खबर ले रहे हैं, सबका जो है परेशानी को समझ रहे हैं। और इस चाकलिया टाइम्स के टाइम्स के वजह से हम लोगों का जो ये पैगाम है गवर्नमेंट की तरफ से जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कुछ फैसिलिटी मिले, कुछ सहायता मिले। बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि लोग समस्या में होता है तो वहाँ चाकुलिया टाइम्स ज़रूर होता है लोगों की समस्याओं को दिखाने के लिए। हमारा काम दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाँ, ये एक घर और है, मैं और एक घर आपको दिखाऊँ।
के देखिए कितना घुटनों से ऊपर लोगों के पानी बह रहा है, लोग समस्या में है, चूल्हा नहीं जला है, खाना नहीं बना है, अरे चल खाना नहीं बना है। और ये समस्या जो लोगों की है ये आज एक दिन की समस्या नहीं है, बल्कि हर साल इस समय बाढ़ के समय में, हर साल बाढ़ के समय में इस तरह की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इस गांव से नज़दीक में ही महानंदा नदी है। जब महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये गांव पूरी तरह से महानंदा नदी के चपेट में आ जाता है और महानंदा नदी का जो पानी है वो इस गांव में घुस जाता है, जिससे हालत जो आप कैमरे पे देख रहे हैं इस तरह की बन जाती है। एक दीदी यहाँ पर, इनसे दो बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सगीना खातून। यही घर है? हाँ। कितनी तो समस्या है दीदी? बहुत समस्या है। हाँ। बच्चा छोटा छोटा है, ना देखने आता है ना पूछने आता है, छोटा छोटा बच्चा कहाँ जाएगा पानी पानी में, इसलिए कुछ ना सरकार कोई आया नहीं देखने के लिए यहाँ पे। जब वोट का समय आता है तब आता है? सब दौड़ दौड़ के आता है देखने के लिए। एक बार देखने आओ, ये करो, कुछ तो करने के लिए आना चाहिए, पर मदद चाहिए ना। छोटा छोटा बच्चा, तीन तो नहीं बनाया, चूल्हा वाला धरेगा था ना, एक छोटा बच्चा वहाँ, एक बच्चा वहाँ, एक बच्चा वहाँ, तीन चार तो बच्चा है, काफी समस्या। हाँ, बहुत समस्या है। तो देख ही रहे हैं, दीदी बता रही थी कि बहुत बड़ी समस्या, खाना नहीं बना, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों को लेकर के लोग, हाँ एक मिनट बहुत हो गया, बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग घरों में बैठे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। जिस तरह से महानंदा नदी का पानी बढ़ रहा है, जल स्तर में बढ़ोतरी है, और मौसम विभाग के तरफ से जो बताया गया है कि अगले दो दिन और जो है बारिश की संभावना है, और अगर बारिश होती है तो फिर ये पानी में जिस तरह से बढ़ोतरी है वो पानी और बढ़ेगा, और जब पानी बढ़ेगा तो लोगों के घरों के अंदर तो घुस ही गया है, लेकिन लोगों को गाँव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ, मेरा दिखाने का यह मकसद था ताकि ये जानकारी जो हालत इस गांव में है, इस गांव की जो हालत है, ये हालत लोगों के हालत को मैं प्रशासन के पास पहुंचाऊं, दिखाने का मेरा ये मकसद है, ताकि लोगों की कुछ मदद की जाए और जो समस्या में है इनकी समस्या को थोड़ा सा सुना जाए। और एक बार बोलिए, मदद कहाँ कर रहा है? मदद करता तो ऐसा हाल होता है? एक बार तो आता देखने के लिए, एक कमाने वाला है, चार पांच छह बच्चा है, दो आदमी है, कैसे क्या करें? ठेला लगा हुआ है घर में, चूल्हा में पानी उठ गया, कैसे खाएंगे? सुबह से वैसे हैं हम लोग, बड़ा आदमी रह जाएंगे, बच्चा रहने सकेगा भूखा से? जब 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 वोट का समय आता है तब, वोट का समय आता है तो सलाम अलैकुम वालेकुम करता है दूरे से, खोज खबर कुछ नहीं, हाथ मिलाता है, अभी एक बार छाए भी नहीं दिखा देता है, दूरे से सलाम करेगा आपको, वालेकुम सलाम भाभी। चलिए मेंबर मुखिया को छोड़िए, अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? क्या मांग करेंगे? आप तो देख ही रहे ना, क्या आप लोग का क्या मुनासिब है? आप लोग को जो मुनासिब है वो दीजिए हम लोग को। चलिए, तो दीदी का ये कहना है कि जिस तरह की समस्या में हम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को लेकर के घरों में है, पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, एक अलग सी घबराहट है कि अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाए तो इन बच्चों को लेकर के कहाँ आसरा लेंगी। तो प्रशासन से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस गाँव में आएँ, देखें, लोगों की खबरें लें, और जो जिस हद तक हो इन लोगों की सहायता करें। चाकुलिया टाइम्स के लिए उत्तर दिनाजपुर के मटियारी से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।